हाँ जी, जय माता दी, राम राम। कैसे हैं आप सब? तो मैं ठीक हूँ और आप भी ठीक होंगे, यही उम्मीद करती हूँ। नए साल को बस कल का दिन बाकी है और परसों फिर नया साल है, और मौसम आज ठीक नहीं है, बिल्कुल गंदा सा मौसम है और बादल है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड। ये यहाँ से हमारे खेत और गांव दिख रहा है, ये रोड है गांव का। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं फटाफट से ब्रेकफास्ट की तैयारी, और ये बच्चों की पसंद होती है फटाफट से कि ऐसा बनाना, ऐसा खाना हमने तो बस। मैं क्या इसमें कौन सा हमने दुकान से लाना, घर का ही तो है हरियाली, तो इसको लाओ और पकौड़े बनाओ, चाहे पूरियां बनाओ, चाहे मट्ठी, जो भी बनाना हो बना सकते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने इसमें जो है थोड़ा थोड़ा अजवाइन, जीरा, नमक, थोड़े से गरम मसाले, हल्दी, ये वाला मैंने इसमें ऐड कर दिया। और कई लोग तो पता कैसे बनाते हैं, मतलब मैं भी बनाती हूँ वैसे, ये जो मैंने मतलब ये पालक, सरसों, मेथी है ना, इनको उसमें जार में मतलब पीस, अच्छी तरह से पीस लेते हैं उसमें, और फिर उसका जो मतलब पेस्ट बनता है ना, उसको फिर आटे में मिलाते हैं। तो इतना टाइम नहीं होता था मेरे पास सुबह सुबह, फिर मैंने ऐसे बस चलते चलते ये बनाए और ये भी बहुत अच्छे बन गए थे। बस इसको ऐसे काफ़ी देर रखना, और काफ़ी देर इसको रखना पड़ता है, पर हमने नहीं रखा था इसको ऐसे काफ़ी देर, हमने बस मैंने इसको ये किया और लग गई थी बनाने, तो हमारी पूरी फूली ही नहीं। आप देखते रहिए, जाइएगा, स्किप करने की मत सोचिएगा कि आप स्किप करोगे, रुक जाइए, देखते रहिए। इसमें मैंने मतलब तेल ऐड करते हैं इसके बीच में, उसके बाद फिर से इसको अच्छी तरह से जो है ये कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए बनाते हैं पूरियाँ। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई में रखा हुआ तेल, क्योंकि सुबह चूल्हे के ऊपर ना वो सब्जी रखी हुई थी मैंने, वो क्या इस साइड जो है, फिर हमने खानी है चाय के साथ, ये भी क्रंची क्रंची बनी थी, करारी करारी बोलते हैं हम, करारी करारी। ये देखिए एक मैंने पका भी दी है। बच्चे हंस रहे थे कि ये क्या बन रहा है, पूरी है कि मट्ठी है कि क्या है। मैंने बोला भाई खाने से मतलब रखो, तुम्हारे को क्या है, पूरी हो चाहे जो मर्जी हो, क्योंकि फूल नहीं रही थी ना, मुझे अभी भी हंसी आ रही है एडिट करते टाइम भी, फूल नहीं रही थी ना, तो कहते क्या बोलेंगे आप कि क्या बना रही हूँ। मैं क्या कुछ नहीं बोलूंगी, मैं ये बोलूंगी कि आप लोग भी बनाइएगा जैसे मैं बना रही हूँ, आटे में ये सब मिला के। तो ये चाय के साथ बहुत टेस्टी बनी यार, सच्ची में, बनाने कुछ और चले थे, बन कुछ और गया। तो बहुत अच्छा मतलब टेस्ट आया था इनमें बाद में, आप देखते रहिए, आप इसी तरह से बनाइएगा, अगर कुकिंग कुकिंग जो है आप मुझसे सीख लीजिएगा अगर आपको नहीं आती होगी। मेरा बस, मैं एक हरी चीज़ से 10 चीज़ें बना देती हूँ, तैयार कर देती हूँ, किसी दिन इनकी चटनी भी बना दूंगी, चटनी चटनी बहुत टेस्टी होती है इनकी, पीस लो, नमक जीरा मिला दो और बस रोटी के साथ खा लो, बड़ा मज़ा आता है। हरियाली दिखनी चाहिए मेरे को बस, ये तो फूल भी गई। और ये लीजिए जी, काफ़ी बनाई थी हमने, थोड़ी सी बताई आपको, आप ट्राई ज़रूर करना, गेहूं के आटे में बनी टेस्टी पूरी। गेहूं के आटे में इस तरह से जो है काफी अच्छी, मतलब क्रंची करना है उनको, बहुत टेस्टी बनती है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9, और बड़ा बेटा चला गया स्कूल और उसके पापा भी चले गए, घर में बच गए मैं और ईशान, इसके बहुत नाम रखे हैं मैंने, ईशान, सानू, सचिन, पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ बोलती हूँ मैं इसको, मुन्ना मुन्ना। पता भी मेरे को क्या समझा रहा था, हम लगे ना खाना, मेरे को बोला था कि ये पता कैसे खाता है रोटी, मैं बताती हूँ आपको। एक तो भाई ये बनाया हमने, क्या बनाया ना, तो ये पूरी है। पर टेस्टी बहुत हो जो हमने बनाया ना, वो टेस्टी बहुत है, ये फूली तो है नहीं है। तो हमने पता है आटे को काफी देर तक गूंद ऐसे रखना पड़ता है ना, हमने नहीं रखा, हमने तो फटाफट खाने की करी ना। अच्छा इसमें कुछ नहीं, तो क्या बोलते हैं, ये मेरे को पता है कैसे बोला था, अभी एक एक हमने खा ली ना, मैं चलो बता बना देते हैं, कैसे खाते हैं शानू। पता क्या बोलता है, मुंह में फंस गई मेरे,
पता क्या बोलता है ये, मम्मी ऐसे खानी चाहिए ना, ऐसे ऐसे इस तरह तो मैं, इस तरह मैं 2 दिन ना रजू सच्ची बात बताऊं तो कहता मम्मी ऐसे ना, कहता है भाई हवा नहीं जाती मुंह में। हवा चली जाती है। अगर हम ऐसे खाते ना अपने तरीके से जैसे हम खाते हैं, हम तो ऐसे खाते हैं भाई, तो कहता है हवा मुंह में नहीं जानी चाहिए खाते हुए, तभी तो बड़े लोग ना ऐसे खाते हैं ऐसे लगी होती है काम की काली, इतने इतने टुकड़ू खाएंगे तब तो मैं 2 दिन में मेरा पेट नहीं भरेगा 2 दिन तक। फिर उसको क्या फैक्ट्स बताता रहता है मेरे को फैक्ट फैक्ट क्या करने से क्या होता है। अभी बोल रहा था मम्मी छींक आती है ना, तो छींक आती तो आंखें बंद क्यों होती है, मैं कभी मेरे को नहीं पता क्यों होती है, तो बोलता है क्योंकि ना हमारा बॉडी के जो पार्ट है ना वो बहुत एक्टिव रहते हैं हर टाइम, तो आंखों को लगता है कि हमारी मतलब उसमें कीटाणु चले जाएंगे, तो छींक आने से पहले पहले ही बंद हो जाती है, हम ना भी करना चाहें तब भी बंद हो जाती है। वाह मैंने पहली बार सुना अच्छा ठीक है अभी हम खा लेते हैं ना, अभी इसकी गप्पे सुनने का बड़ा मजा आता है आपको, कल इसका रिजल्ट है पूछेंगे कल इसको ना, कल 31 तारीख है, कल इसका रिजल्ट आने वाला है, फिर पूछते हैं इसको क्या करेगा। तो अभी हम खा लेते हैं, पूरी है कि क्या है आप लोग भी बताना क्या है आती है। जो टेस्टी बहुत है, पता फूली नहीं है बट टेस्टी बहुत है, इस तरह से आप जरूर बनाइएगा। तो अमीरों की तरह खाऊं कि दूसरी तरह हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद है ना। यहाँ पे फिर मैं घास लेके आ गई, और ये यहाँ पे हमारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, बस गांव में यहीं पे, यहीं से गांव शुरू हो गया। ये देखिए, और फिर मैंने पशु बाहर बांधे, इनको प्यास लगी थी पहले बाहर निकालते, बहुत दिन हो गए ना, इनको नहलाना भी था मैंने, पर मुझे टाइम नहीं, टाइम तो लग रहा है पर मौसम ठीक नहीं है, वैसी धूप नहीं आती इनको नहलाने के लिए, अच्छी धूप आनी बहुत ज़रूरी है। हाँ जी नमस्कार, तो अभी हम थोड़ा सा परिचय देने आ गए, मैं और सचिन यहाँ पे, तो काफ़ी दिनों से कुछ लोग पूछ रहे थे क्वेश्चन कि आप कहाँ से हैं, बहुत कुछ पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा, मैंने बताया भी है, वीडियो में भी बताती हूँ, मैं लाइव में भी बताती हूँ, पर चलो कई लोगों को नहीं पता होगा तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको अपने बारे में बता देती हूँ। तो मेरा नाम है मधु, जैसा कि मेरे चैनल का नाम है हिमाचली, वो भी पता लग जाता है कि मैं हिमाचल से हूँ, हिमाचली ब्लॉगर मधु ठाकुर। तो हिमाचल और डिस्ट्रिक्ट में सोलन से हूँ, और बिलासपुर मेरा मायका है। तो मेरी शादी हुई थी 2003 में, और मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे पति हैं, और हमारे यहाँ ससुराल में काफ़ी बड़ी फैमिली है, मतलब 4 भाई हैं मेरे हस्बैंड, 4 भाई हैं, एक जो हैं सबसे जो बड़े थे वो मतलब एक्सपायर हो चुके हैं, 7 8 8 9 साल हो गए उनको, और 3 भाई हैं फिर, और 2 बहनें हैं इनकी, और मेरी जो सास हैं वो देवर के बीच में रहती हैं, और ये सचिन देखो अभी भी स्टंट मार रहा है यहाँ पे ओके और मैं थोड़ी सी बात आपके साथ यहाँ पे करना चाहूँगी कि मतलब कैसे मैंने यूट्यूब जो है कैसे ज्वाइन किया, वो अलग क्वेश्चन है क्यों ज्वाइन किया, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरे जो यूट्यूब का जो सफ़र था वो कैसा रहा, मुझे क्या परेशानी आई, तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी आई। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने प्लस टू की हुई है, आगे का मैं काउंट नहीं करूँगी क्योंकि जब कंप्लीट नहीं तो काउंट भी क्या करना, ठीक है। तो फिर मुझे नहीं था पता, मुझे चैनल तक नहीं आता था खोलने, क्योंकि हम पढ़े जरूर थे, वो किताब भी पढ़े थे, वो उस टाइम इंटरनेट का ज़माना नहीं होता था, हमें नहीं था उस चीज़ के बारे में पता कि क्या है क्या नहीं है। तो फिर ये बैठा यहाँ पे इंटरनेट का राजा गूगल तो इस गूगल ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, और मुझे हर चीज़ के बारे में, इसने चैनल खोला मेरा, अच्छा भाई आगे जैसे इधर आ जाए, शर्म करता, बड़ी मुश्किल से बिठाया इसको, जबरदस्ती है आपको पता, ये बिल्कुल नहीं बैठता। तो मतलब ये पता कैसे, इनको ना ऐसी आदत नहीं है कि हमारी बड़ाई हुई हमारे बारे में कुछ मतलब ऐसा बढ़ चढ़ के बोले, ये कैमरे के सामने आना भी पसंद नहीं करते। तो इसने चैनल खोला, फिर मतलब हम चैनल कब खोला था शान, हमने अगस्त में नहीं सितंबर, सितंबर में खोला था शायद,
अगस्त सितंबर में हमने चैनल खोला था अपना, इसने खोला था तो अक्टूबर नवंबर, हाँ तो 2 महीने और 20 दिन जब हो गए थे तो उस टाइम जो मेरा चैनल वॉच टाइम पूरा हो गया था, आप लोगों की वजह से, आप लोगों के प्यार की वजह से मेरा जो वॉच टाइम पूरा हो गया था। क्योंकि एक्चुअली यूट्यूब का पार्टनर बनने के लिए इनकी कुछ कंडीशंस होती हैं, इनका एक क्राइटेरिया होता है जिसको हमें पूरा करना होता है। पहले तो हम वीडियोस डालते रहते हैं, फिर वो वॉच टाइम पूरा मतलब देखते रहते हैं कितना हुआ। और इनकी एक शर्त होती है यूट्यूब वालों की कि जब 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे का वॉच टाइम हमारे चैनल पे कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम जो है मोनेटाइजेशन के लिए रिव्यू के लिए चैनल को भेजते हैं, उसके बाद हमारा चैनल जो मोनेटाइज होता है, मोनेटाइज का मतलब फिर हम जो यूट्यूब के पार्टनर बन जाते हैं और उसके बाद जो अर्निंग का प्रोसेस शुरू होता है। तो अर्निंग का तो बहुत मतलब बहुत टफ है इस पे अर्निंग करना, क्योंकि कोई पता नहीं है कि कब, क्योंकि ऐड के भरोसे तो मतलब मैं बहुत मुश्किल है। पर चलो वो तो जैसे भी था, अब मतलब एक शुरुआत तो कर दी थी तो जैसे तैसे करके फिर हम लोगों ने, फिर हमारे को पता नहीं मोनेटाइजेशन कैसे भेजें क्या करें, हमें कुछ भी पता नहीं होता था। तो मतलब इसमें फिर इसने पता नहीं कहाँ कहाँ से देख के ढूंढ के सर्च कर करके यूट्यूब पे वीडियो देख के, वीडियो तो मैं भी देखती थी पर मुझे टेक की नॉलेज नहीं थी, मुझे नहीं पता लगता था कि कहाँ से ईमेल भेजते हैं क्या करते हैं। अब तो मैं 50-50% इसने मेरे को सिखा दिया है, अब तो मुझे काफ़ी पता है। जैसे ऐड लगाते हैं वो मैं सीख गई हूँ काफ़ी कुछ जो है, तो बहुत ज़्यादा काम होता है इसका यूट्यूब का। तो मेरी जो भी हेल्प की वो इसी ने की, बहुत ज़्यादा हेल्प की इसने। देखने और पता है सरकारी स्कूल में पढ़ता है इस सरकारी स्कूल में पढ़ते, देखो बात कर ले, आप सब इसे बात करना चाहते हैं ना, आपने लाइव में भी बुलाया था इसको, ये नहीं आता तो बस इसने मोनेटाइजेशन को इसने भेजा, फिर उसके बाद एडसेंस, गूगल एडसेंस इसने बनाया, यानी कि इसने ही किया जो भी टेक्निकल का जो काम होता था ना वो इसने किया। मेरा काम तो खाली वीडियो बनाना था, एडिटिंग करती हूँ मैं, वीडियो बनाती हूँ और क्या करती हूँ भी मैं, बस यही काम है मेरा, शूट करती हूँ। और अब तो ऐड में मैं लगा, अब तो काफी कुछ सिखा दिया इसने, इसने मेरी आईडी बनाई, पता नहीं क्या क्या किया मुझे। मैं आपको सच्ची रियलिटी बताती हूँ, मुझे आज भी ना आईडी बनाना नहीं आती। मतलब ऐसा नहीं है मैं पढ़ती नहीं इन कामों में, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम होते हैं, तो इसने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है। बाकी और लोगों का भी मुझे ऐसे मतलब ऐसे बोल के काफी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, तो उनमें से भी मतलब मैं बताऊंगी आपको, एक अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि अभी मेरा पिन तक नहीं आया है। तो फिर ये तो मैंने जस्ट बता दिया कि काफ़ी लोग पूछ रहे थे एजुकेशन के बारे में, चैनल के बारे में, और तो बस यही था। थोड़ा सा और भी कुछ पूछना होगा तो आप बताइएगा मुझे, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सपोर्ट कर दीजिएगा और मतलब सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा जितना हो सकता है आपसे। और वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा मुझे, और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी वीडियो को देखते हैं, और आप लोगों के प्यार की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अदरवाइज़ कोई भी यूट्यूबर अपने दम पे कुछ नहीं होता, मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आप लोगों का साथ ना हो, आप लोगों का सपोर्ट ना हो तो हम कुछ भी नहीं है। और कल का दिन छोड़ के परसों नया साल है, नए साल की एडवांस में थोड़ी सी शुभकामनाएं, थोड़ी सी फिर कुछ कल देंगे, सारी एक ही बार नहीं देंगे। तो और बस कोशिश कीजिएगा कि साल बदलते रहते हैं, बदलते रहेंगे, अपने को बदलने की कोशिश कीजिए। अपने को बदलने की मतलब अच्छे हैं तब नहीं बदलना, अच्छे हैं तब चेंज नहीं होना। अगर थोड़ी बहुत मतलब ऐसा कौन होता है जिसके अंदर कमी, मेरे अंदर भी है, हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, तो उन कमियों को निकालने की कोशिश कीजिए। जय माता दी, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।